राजधानी रायपुर में इन दिनों एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रायपुर के विभिन्न विद्यालय में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर के खैरखुंड में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइबर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें प्रवक्ता एवं प्रभारी ज्योतिष कुमार छत्तीसगढ़ योग आयोग की उपस्थिति में थाना प्रभारी शिवेंद्र राजपूत के निर्देश पर पूरी टीम द्वारा आज विभिन्न स्थानों में लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार, स्टॉल के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके जरिए बच्चों को हो रहे साइबर क्राइम से बचाने के उपाय बताए जा रहे हैं। बता दें कि साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम में उपस्थित प्रवक्ता ज्योतिष कुमार, निरीक्षक शिवेंद्र राजपूत, सब इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह, रविशंकर निषाद, आरक्षक मुकेश सोनी के द्वारा अभियान चलाया गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को, हमारे मोबाइल को करप्ट कर देता है और जो हमारी जितनी पर्सनल जानकारियां थी उनके पास चली जाती है। ठीक है, तो कोई भी ऐप जो आप डाउनलोड करते हो तो ध्यान रखो कि वो जो ऐप होते हैं क्या करते हैं, उनके बारे में सकते हैं या जो प्रोडक्ट है उनने क्या कर लिया उसको फेक तरीके से बनाया। ठीक है, बंदा था जिसने आपको कॉल किया तो उसके पास चले गए। ठीक है, आप लाखे सोनी को पता चला कि इसको मैसेज आया, इसके पैसे निकल गया। ठीक है, तो क्या करता है ये, उस जिससे बात किया था उसको दोबारा फोन लगाएगा, लेकिन उसके नंबर क्या आता है, स्विच ऑफ आएगा या बंद आएगा। ठीक है, तब इसको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। ठीक है, रायपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा समस्त पुलिस स्टाफ को या समस्त थानों में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में हम साइबर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको भी हम समझा रहे हैं ताकि वो साइबर से होने वाले अपराध से बचे और अपने जो जमा पैसे उनको सेव करा सके। साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा कि आप लोग जगह जगह जाके स्कूल के माध्यम, या चाहे स्कूल हो या चाहे कॉलेज हो या चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, काफ़ी हद तक आप लोग प्रयास कर रहे, तो कितना आप लोग लगता है कि आप लोग सफल हो पाए, कि लोग आप लोग को सुनना चाहते हैं या उस तरीके से आप लोग रहे हैं, आप लोग का कार्यक्रम जो है। पहले तो लोग इनके साइबर क्या है, इनके साइबर अपराध क्या होते हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी उनको। अब जब हम उनके बीच जा रहे हैं, हमको अच्छे से बता पा रहे हैं, लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो अपराध हैं उनके प्रति वो सजग रहें और ये अपराध से हमेशा बचे रहें। साथ ही एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या जैसे हम कोई अपराध होता है उस तरीके से, तो क्या उसके बचने के या उसको ट्रैक करने के, क्या हमारे पुलिस या छत्तीसगढ़ पुलिस के पास उस तरीके का जो है, या सिर्फ सुरक्षा ही है, क्या उस तरीके से हमारे पास उपकरण भी है जिससे हमें मदद हो सके? अभी वर्तमान में हमारे पास जिला मुख्यालय में साइबर थाना है, जहां पर हम साइबर से संबंधित जो शिकायतें हैं उनको या नंबरों जो अज्ञात जो नंबर होते हैं, जो फ्रॉड नंबर होते हैं, उनको हम ट्रेस करवाते हैं और उस अपराधों में हम लोग कार्रवाई करते हैं। और उसमें हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है जिसके माध्यम से जो फ्रॉड के शिकार होते हैं वो बंदे उस टोल फ्री नंबर में 1930 में कॉल करके अपनी शिकायत रख सकते हैं और हम उनके पैसों को वापस कराने के लिए या उससे इस अपराध से बचने के लिए जानकारियाँ देते हैं।